यूपी के मैनपुरी के घिरो राय सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा, कासगंज में लड़ाई तिरंगे की नहीं थी। हिंदू वाहिनी के लोग तिरंगे के स्थान पर वाहिनी का झंडा लगा रहे थे। वहीं कुछ लोगों के नाराज होने के डर से मुस्लिमों पर अत्याचार होते नहीं देख सकते। हिंदू ने ही गोली चलाई और हिंदू को ही गोली लगी। मुसलमानों के साथ वहाँ जबरदस्त राजनीति की जा रही है। हम कुछ लोगों के डर से मुंह ना खोले ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को धार्मिक आधार पर बांटने की सरकार साजिश कर रही है। यूपी में संप्रदाय विशेष के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर मारा जा रहा है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की खास रिपोर्ट। और वो सारी गवर्नमेंट बेईमानी करती है। ये गवर्नमेंट ज्यादा बेईमान है तो इसने ज्यादा बेईमानी की। तब भी बहुत आसान नहीं है, पकड़ ढीली हुई है। लेट द इलेक्शन फाइनल इलेक्शंस कम। कासगंज हिंसा के विषय में आपका क्या कहना है, क्या कारण रहा कासगंज हिंसा में मुख्य? देखिए, ऐसा है कि जिला प्रशासन की बगैर अनुमति के जब भगवाधारी लोग जुलूस निकाल रहे और उसके बाद मुस्लिम मोहल्ला में जाके मुस्लिम आबादी के बीच में ये नारा लगाएं कि मुसलमान का ये दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो कोई आदमी इसको सुन नहीं सकता है। और जहाँ तिरंगा झंडा लगा हुआ था 26 जनवरी की को लगाया गया था मुस्लिम्स ने उस जगह पे, वहाँ वो हिंदू वाहिनी का झंडा लगाना चाहते थे जबरन। उस स्थिति में तू तू मैं हुई और आपने सारे लोगों का वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा कि गोली चली वो हिंदू ही था और आरोप लगा दिया गया मुसलमानों पे। तो इतना अगर गलत होगा तो हम लोग क्या अपना मुंह बंद इसलिए किए रहेंगे कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो मुंह न खोलें? ये हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। अन्याय का विरोध हमेशा किया है, चाहे कोई करे, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे। ये मुसलमानों के साथ जबरदस्त ज्यादति की जा रही है। और आपने देखा नहीं, कल एक दिन में 22 एनकाउंटर हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। अब एनकाउंटर हुआ, लड़का जा रहा था वहां से, जिम ट्रेनर था, एक केस किसी के खिलाफ नहीं और गोलियां मारी जा रही। और मुख्यमंत्री कह रहा है ठोंक देंगे। कोई दुनिया का कोई भी हेड ऑफ स्टेट या कोई राज्य का मुख्यमंत्री इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है? जिस प्रकार से कासगंज में जो हिंसा हुई, सभी लोगों को पता है क्या कारण रहे क्या नहीं रहा, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये 2019 की तैयारी या जो चुनावी वादे नहीं हो पाए उनको उनसे ध्यान भटकाने का भी कारण हो सकता है? एक वादा पूरा कर नहीं पाया। अब ये केवल इस देश की जनता को कम्युनल लाइंस पर बांटने की कोशिश करेंगे, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं। केवल सरकार जो है गाय और मंदिर की राजनीति कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब गाय को किसान सब खड़े हुए हैं तो रात रात भर में रखाए रहे, पनी खाके वो उसका जवाब देंगे उनको, हम क्या जवाब? अच्छा, हमारे बड़े